रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। हार दो तरह के चीज लेकर के आवेला। हार पहला चीज तो जीत खातिर और प्रयास करे के हौसला लेके आवेला, हिम्मत पैदा करे के बात कहेला, या फिर हार बिखराव लेके आवेला। हिम्मत के बात जहाँ तक बढ़ुए तो हार से हिम्मत आज वर्तमान समय में महागठबंधन या यूपीए कहली ओकरा भी नहीं है। हार के बाद पूरी तरह से विखंडित हो गई बुड़ुए विपक्ष और व्यक्तिगत रूप से अपना अपना खेमा के मजबूत करे में भी नहीं खेलागल, बल्कि एक दूसरा पर तोहमत और हार के कारण तक पता लगावे में अक्षम बुझात हुए। पूरी तरह से धाराशाही हो गई बा। गोड़ा लगा नहीं स्वागत करू वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। स्थिति इतना विकट हो गई बा कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई बुड़ू है। कांग्रेस खास करके ये पूरे हार पर अपना के दोषी माने से ज़्यादा वो गठबंधन के दोषी मानते हुए और गठबंधन के नेतृत्व के दोषी मानते हुए जौन कांग्रेस के हाशिए पर रख करके और कांग्रेस के पूरी तरह से सम्मान ना दे ले। बिहार में जहाँ तक स्थिति बुड़ू है कि कांग्रेस लगातार जितना भी बैठक भइल ओकरा में एक ही बात अब कह रहा बुड़ू है, एकदम स्थिति स्पष्ट बा कि कांग्रेस आरजेडी के पूरी तरह से दोषी मान रहा बुड़ू है। हालांकि कांग्रेस के पूरी तरह से ये बात दरकिनार भी कर सकी है, ऐसे कि लगातार आरजेडी आपसी द्वंद्व से जूझ रहा बा, जहाँ एक तरफ लालू परिवार एक दूसरा के साथ तालमेल तारतम्य बैठावे में असफल बढ़ुए, दोनों भाई में नहीं पटल, बहन के साथ नहीं पटल, मतारी अलग टेंशन में बाड़ी और पार्टी के स्थिति जौन बात तो सबके नज़र आ गई कि खुले मंच पर कार्यकारिणी के बैठक में और स्थापना दिवस पर जे कुछ भी भइल उस सब लोग के सामने बढ़ुए, ओकर चर्चा करे के जरूरत नहीं है, लेकिन चर्चा आइजा कांग्रेस को हो रहा। कांग्रेस के जितना भी सदस्य बाड़े 26 को जो उनकर विधायक बाड़े, एगो तो सांसद बन गए बाड़े, 26 को विधायक के कहना बुड़ुए और पार्टी नेतृत्व के कहना बा कि जौन वर्तमान परिस्थिति बुड़ुए वो परिस्थिति में आरजेडी के साथ रह करके कांग्रेस बैकफुट पर जा रहा बुड़ुए। हालांकि एक शुरुआत बहुत पहले हो गई रहे, रुआ याद हो 2015 के विधानसभा के चुनाव जो भई रहे वो घड़ी अशोक चौधरी यह बात के रखले रहन जौन की वर्तमान अध्यक्ष रहन कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के, वे बात के रखले रहन जेकर चर्चा संजय तिवारी करता रहे। संजय तिवारी यह मुद्दा के रखला के बाद काफ़ी चर्चा में बढ़ल। संजय तिवारी के असमंजस के स्थिति और कांग्रेस के असमंजस के स्थिति दोनों के रुआ जोड़ के देख सकीले। लोकसभा में मिलल करारी हार विधायक लोग के आंदोलित करिए बढ़ुए, आंदोलित होके के भी चाहिए, चूँकि राजनीतिक जीवन में जब रुआ कोनो गठबंधन में बानी और गठबंधन में पूरी तरह से हार के बाद भी कोई समीक्षा नहीं के होत, कोई बात नहीं के होत, कोई विचार नहीं के होत और दोषारोपण हो रहा बढ़ुए, तो ई निश्चित रूप से असमंजस के स्थिति बा और विधायक अब अपन अस्तित्व के लेकर के भविष्य के लेकर के चिंतित नजर आवत रहे। स्पष्ट तौर पर बिहार में कांग्रेस के एक ही फरमान बढ़ुए कि उ अपन रास्ता अलग कर ले। संजय तिवारी बातचीत के दौरान जब सब एडिटर आर्यन उनका से प्रश्न पूछ ले हैं कि आगे के रणनीति का बा का सोचा था लो, तो सीधे तौर पर कहले हैं कि हमनी के पहले ही विधानसभा चुनाव भैया के बाद हमनी के अलग अपन 2 साल के समय रहे, वो 2 साल में हमनी के तैयारी के लिए रही जा और सोच यह रहे, हमने पार्टी फोरम में बात के लिए रही जा, अशोक चौधरी पर पूरी तरह से डिटरमाइंड रहन और केंद्रीय नेतृत्व में ये बात रखे कि हमनी के तैयार रही जा, तब तक ले स्थिति गड़बड़ा गई। वो घड़ी भी यह हमने के मत रहे कि कांग्रेस आपन तैयारी अलग से करो लोकसभा खातिर, चूँकि 15 के बाद हमने लगे समय रहे, हमने के तैयारी करे के काफ़ी समय रहे। एकरा बाद भी जब 2017 में जब आरजेडी से महागठबंधन अलग अलग हो गई, आरजेडी अलग हो गई, जदयू ओकरा से अलग होकर के एनडीए के साथ चल गई, वो घड़ी भी ये बात सामने आई रहे, वो घड़ी भी हमने के पार्टी फोरम में ये बात रख ले रही जा कि 2 साल समय हमने के तैयारी करे के बढ़ुए, इस तैयारी खातिर हमने के अलग से अपन जमीन तैयार कर दिया, 2 साल बहुत समय होला और कांग्रेस के आज भी जनता पसंद करता रही, कांग्रेस के आइडियोलॉजी, कांग्रेस के देश के प्रति प्रेम
और काम जौन लगातार देश के आज़ादी के बाद से कांग्रेस देश के विकास में बहुत योगदान देले बड़ुए, बहुत कुर्बानी देले बा, उस सब के देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी जनता खोज रहा बा कि कांग्रेस एकला चलो। जब बातचीत के दौरान संजय तिवारी काका कहले है रुआ खुद सुनने की मैं सक्षम है, बड़ी हार है आप लोगों की, इस हार के बाद तेजस्वी यादव गायब थे, शायद उनके पास जवाब नहीं है, ऐसे में कांग्रेस फ्रंट फुट पे दिख रही है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, आपको नहीं लगता कि मौजूदा परिस्थिति में आप लोग तेजस्वी यादव को ढो रहे हैं? देखिए ये नेतृत्व तय करेगा, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, ये वो लोग तय करेंगे कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग एक अकेला विधायक या 27 विधायक या विधायक दल के नेता इस बात के निर्णय नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मांग को अपनी पार्टी में रख सकते हैं, लेकिन निर्णय करना तो वाला कमान को है। निर्णय से एक बात और याद आई कि आपने और आरजेडी ने न्योता दिया था नीतीश कुमार को, और पहले से जीतनराम मांझी भी कर रहे हैं कि जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो एक हो ताकि बीजेपी को रोका जाए। ऐसे में नीतीश जी के मंत्री सदन में कहते हैं कि एनडीए अटूट है और हमें आरजेडी या कांग्रेस में जाने का कोई सोच नहीं रखा। देखिए राजनीति परिस्थिति के अनुसार चलती है और माननीय मंत्री का बयान सही में ठीक है, लेकिन परिस्थिति 20 में किस तरह की बनेगी उस समय परिस्थिति के अनुसार ही कोई राजनीति फिक्स हो सकती है। आपको क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? देखिए नीतीश जी के काम के बल पर भी और दलित शोषित अल्पसंख्यक के प्रति जो उनका रुझान रहा वो अपने मंच से जाकर के वर्तमान लोकसभा में बीते हुए लोकसभा में उन्होंने जिस तरीके से अपने बात को रखा और जनता ने इसे स्वीकार किया तो ये मैंडेट है, और ये जनता जब मैंडेट देती है और उनकी बातों को सुन करके जनता ने मैंडेट दिया तो मुझे उसको नकारात्मक नहीं सकारात्मक लेकर चलना होगा। सर बक्सर से सांसद है अश्विनी चौबे, और अश्विनी चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं, AES में 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विपक्ष भुना नहीं पाया, इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया? मैं तो सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा कि आज़ादी के बाद हमारा राष्ट्रवाद 16वीं लोकसभा तक मुद्दा था, 17वीं लोकसभा में हमने राष्ट्रवाद मुद्दे को छोड़ दिया और यही परिणाम हुआ कि हम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए, वही चमकी बुखार वाला नतीजा है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी लाइन और लेंथ को तय नहीं किया, नहीं तो सरकार और स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे वर्तमान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो, उनका घेराव हम हाउस में और हाउस के बाहर भी कर सकते थे, लेकिन हम सक्षम नहीं है, हमारा संगठन एबल नहीं है, मजबूत नहीं है। संगठन मेरा मजबूत रहता तो मैं निश्चित रूप से दावा करता कि यहाँ सरकार गिरती। धन्यवाद। जशन की रुआ सुननी, संजय तिवारी ही ना, संजय तिवारी के साथ साथ अगर कांग्रेस के विधायक लोग के बात करी तो कांग्रेस लोग के विधायक के अब यह बात के भय सतावे लागल बा कि आवे वाला 2020 के चुनाव में यदि वो महागठबंधन के साथ रहता रहे तो उनकर स्थिति कहीं ऐसा ना कि लोकसभा जैसा हो जाओ। ऐसे एक बार फिर से जबरदस्त ढंग से आवाज़ उठ रहा बा पार्टी के अंदर में कि या तो वो कोई उचित या समान विचारधारा वाला गठबंधन के साथ रहो जो मान सम्मान के साथ कांग्रेस के अपना साथे लेके चलो, या फिर कांग्रेस अपना बूते पर हार या जीत दोनों स्थिति में अकेला चलो। जुड़े रहिए सभी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबर और खबर के टोह हमनी के एकदम लगातार कर रहा बनी जा, रुआ लोग तक तो पहुँचावत रह जा, गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।